கேதார கௌரி விரதம் புரட்டாசி திங்கள் வளர்பிறை அஷ்டமி திதியில் தொடங்கி 21 நாட்கள் விரதம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு நாம் முதலில் பிள்ளையாரை அருகம்புல்லினாலும் மலர்களாலும் அர்ச்சித்து வணங்க வேண்டும். ஓம் சுமுகாய நம, ஓம் ஏகதந்தாய நம, ஓம் கபிலாய நம, ஓம் கஜர்கணிகாய நம, ஓம் லம்போதராய நம, ओम विगड़ाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूमकेतुवे नमः, ओम गणाध्यक्षीय नमः, ओम बालचंद्राय नमः, ओम वक्रदुंडाय नमः, ओम सूर्पकर्णाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम स्कंदपूर्वजाय नमः, ओम महागणपतिये नमो नमः। पिन्ब கேதாரீஸ்வரரை மனதில் தியானம் செய்து வில்வத்தாலும் புஷ்பங்களாலும் அர்ச்சித்து வணங்க வேண்டும். ஓம் சிவாய நம, ஓம் கேசவாய நம, ஓம் ருத்ராய நம, ஓம் சங்கராய நம, ஓம் கங்காதராய நம, ஓம் நீலகண்டாய நம, ஓம் நாராயணாய நம, ஓம் கிருஷ்ணாய நம, ஓம் பத்மநாபாய நம, ஓம் ஈசானிய நம, ओम कैलासवासाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम मरुवेंद्राय नमः, ओम मानेंद्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अरूपाय नमः, ओम आनंद रूपाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम शूलबाण्ये नमः, ओम शिवपूसाय नमः, ओम कालकंडाय नमः, ओम कपालमूर्तिये नमः, ओम परमगुरुवे नमः, ओम सांदरुद्राय नमः, ओम मार्कंडाय नमः, ओम त्रिपुरदगणाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम पार्वती प्रणेशाय नमः, ओम सर्गुरुवाय नमः, ओम नंदिगेश्वराय नमः, ओम केदारीश्वराय नमो नमः। नंद्री।